नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं उन सभी अभ्यर्थियों का युवा शक्ति जी के गोज में, जो अभ्यर्थी बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हाईएस्ट स्कोर के साथ अपने एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं एक बार में। तो आज आप सभी के डिमांड पर लेके आए हुए बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए इम्पोर्टेंट बुक। सभी स्टूडेंट के मन में डाउट है, कन्फ्यूजन है कि कौन सी बुक पढ़े बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम्स के लिए, ताकि मेरा तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो ये आप सभी के डिमांड पर बुक सजेस्ट कर रहे हैं आप सभी को, ताकि आपका बेहतर तरीके से तैयारी हो पाए। तो आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम्स को लेकर और उसके बुक को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी फ्रेंड मेरे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन करवाता है और अपने दोस्तों में ये वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। सभी साथी से रिक्वेस्ट है, जरूर शेयर कर देंगे। ये आप सबके डिमांड पर ये बुक सजेस्ट कर रहे हैं आपको, ये वीडियो आप सबके डिमांड पर लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर में आपको बताएंगे बुक्स के बारे में कि कौन सा बुक पढ़े सबसे बेहतर बुक कौन सा है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करना चाहते हैं और हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, और आप एक बिगिनर स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है और अपनी तैयारी को शुरू से करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बुक आपको सजेस्ट करेंगे लूसेंट जी के सम्मान ज्ञान का। लूसेंट जी के सम्मान ज्ञान का बुक सजेस्ट करेंगे अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो। ये आपके लिए बेहतर बुक होगा, जो कि आपको इसमें थियोरिकल क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने मिलेंगे, प्लस में टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिलेंगे। काफी ही इंपॉर्टेंट ये बुक है, तो आप सभी इस बुक को ले सकते हैं। समथिंग इसका ₹125 प्राइस आपको पड़ जाएंगे। अगर मार्केट में उपलब्ध है तो वहां से आप सभी मंगवा सकते हैं। काफी ही अच्छी बुक है, जो आपके एग्जाम्स में काफी ही हेल्प करेंगे अगर इस बुक को आप सभी पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेते हैं आप सभी। तो इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में जिस प्रकार से आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें आपको सारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया किस प्रकार से मानव का उत्पत्ति हुआ था, कहाँ कहाँ मानव निवास करते थे, उसका खाद्य पदार्थ क्या था, किस प्रकार से रहते थे, कहाँ पे रहते थे, इसके बारे में आपको डिटेल से बताए गए। उसी प्रकार से अगर वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो वैदिक सभ्यता के बारे में आपको डिटेल से बताया गया। अगर आप सभी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आपका दिल्ली संतलत हो गया, मुगल साम्राज्य हो गया, इस सब के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको इसमें आपको डिटेल से देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपका बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो आप सभी इस बुक को जरूर लीजिए और जरूर पढ़िए अगर आप हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप सभी इस बुक को जरूर पढ़िए। नेक्स्ट बुक आपको सजेस्ट करेंगे बुक नंबर 2 में लूसेंट जनरल साइंस का, क्योंकि लूसेंट जनरल साइंस ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन जो कि साइंस से ही पूछ जाएंगे, तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन सिर्फ साइंस से पूछ जाएंगे, इसीलिए आपको लूसेंट जनरल साइंस का बुक को सजेस्ट करेंगे। आपके एग्जाम्स में 30 क्वेश्चन जो है कि बहुत जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, जिसमें कि आपका करेंट अफेयर भी रहेंगे, तो करेंट अफेयर के लिए भी बुक आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा जो कि हम आपको करेंट अफेयर डेली जो कि टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाते हैं, तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर आप करेंट अफेयर को पढ़ सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सब करेंट अफेयर आपको प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप सभी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आप सभी एक बिगिनर स्टूडेंट हैं तो आप सभी लूसेंट सम्मान ज्ञान का ही बुक ले लीजिए, क्योंकि काफी अच्छी बुक है। इसमें आपको जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, प्लस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, टॉपिक देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, प्लस में आपको इंडियन जीके का आपको मिल जाएंगे, प्लस में वर्ल्ड जीके का भी मिल जाएंगे आपको। तो मतलब कि सारा क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दो बुक आपको सजेस्ट किए, लूसेंट सम्मान ज्ञान का प्लस में लूसेंट जनरल साइंस का। अगर आप सभी लूसेंट जनरल साइंस का बुक नहीं लेना चाहते तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लूसेंट सम्मान ज्ञान से ही आपका काम चल जाएगा। और अगर स्पेशल साइंस का ई बुक को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप सभी जनरल साइंस का आप सभी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, ई बुक के फॉर्म में आपको मिलेंगे। 700+ एमसीक्यू है, जो आपके एग्जाम्स के लिए सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम्स के लिए ही स्पेशल वो बुक है, तो आप सभी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं आप सभी।
तो अगर अभी भी चाह रहे हैं कि ये दो बुक पढ़ के एग्जाम्स को क्रैक कर जाएंगे तो ये आपका गलत फहमी है। ये दो बुक पढ़ के आप हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम्स को नहीं क्रैक कर सकते, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में मैथ है, हिंदी है, प्लस में रीजनिंग है, तो इसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं और आपको एक बुक सजेस्ट करेंगे जनरल अवेयरनेस में, स्पीडी समान ज्ञान जीके का, काफी अच्छी बुक है जो कि वन लाइनर के रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, काफी ही अच्छी बुक है, काफी ही इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो आप सभी इस बुक को जरूर ले लीजिएगा, काफी ही अच्छी बुक है। अब नेक्स्ट बुक आपको सजेस्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए रिविजन करना। रिविजन आप सभी किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहां आपको 3 बुक सजेस्ट किए। अब मेन आता है रिवीजन करने का कि आप कितना रिवीजन करते हैं, जितना सेल्फ स्टडी कीजिएगा उतना ही आपका तैयारी बेहतर होगा। तो आप सभी को सेल्फ स्टडी करना बहुत ही जरूरी है, प्लस में आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं टॉपिक वाइज, तो आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर बनाइए, इससे आपका डाउट क्लियर होता है, प्लस में आपका स्कोर पता चलता है कि कितने क्वेश्चंस को आप सभी एग्जैक्टली सही कर रहे हैं और कितने क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं। अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो कोई भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, सभी पब्लिकेशन बढ़िया होता है और कोई भी पब्लिकेशन खराब नहीं होता है। यूनिक पब्लिकेशन का बुक आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी यूनिक पब्लिकेशन का बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी के पास उपलब्ध है ये बुक या मार्केट में उपलब्ध है तो आप सभी वहां से परचेज कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं आप सभी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना। आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़िए थ्योरिकल टाइप से और प्लस में ऑब्जेक्टिव बनाइए, तभी आपका तैयारी बेहतर होगा। तो ये 2 से 4 बुक आपको सजेस्ट किए हैं। अब आपको करंट अफेयर के बारे में बताएंगे, कौन सा करंट अफेयर के लिए बुक पढ़ना चाहिए। अगर आप सभी करंट अफेयर का बुक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप सभी को टेलीग्राम पे डेली आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है करंट अफेयर का, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप सभी करंट अफेयर में घटना चक्र का मंथली मैगजीन ले सकते हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ बताया गया कि आपके एग्जाम्स में जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, इसका मतलब कि समथिंग है कि करंट अफेयर आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो अगर लेना चाहते हैं जो कि मंथली मैगजीन आता है, तो ये बुक लेने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये 6 महीना पहले का आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं भी जाके यूट्यूब पे सर्च मिलिएगा 6 मंथ का करंट अफेयर, तो आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप करंट अफेयर का तैयारी कर सकते हैं। तो ये बुक आपको सजेस्ट कर दिए करंट अफेयर के बारे में, ये आप 5 बुक हो गया। तो नेक्स्ट बुक आपको सजेस्ट करेंगे लूसेंट जनरल हिंदी का, क्योंकि आपके एग्जाम्स में हिंदी भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर हाईएस्ट स्कोर के साथ आप एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो हिंदी भी पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो हिंदी में आपके एग्जाम्स में क्या पूछे जाएंगे, गद्यांश और व्याकरण से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। गद्यांश में गद्यांश दिया रहता है जो कि पढ़ के आपको आंसर निकाल के टिक लगाना रहता है, प्लस में व्याकरण से क्वेश्चन रहेंगे। तो आप सभी इस बुक को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, अन्यथा आप सभी के लिए बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्पेशल जो कि स्टडी मटेरियल तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि आपको हर सब्जेक्ट वाइज आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, जल्द ही आपको मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का, हिंदी रहे चाहे वह करेंट अफेयर रहे, चाहे वह हिस्ट्री रहे, पॉलिटी रहे, इकोनॉमी रहे या साइंस रहे, तो ये सभी आपको मिल जाएंगे जल्द ही। अगर आप सभी बुक लेना चाहते हैं तो बुक ले सकते हैं, ये बुक एक बार लेने के बाद बार बार लेने की जरूरी नहीं है, बुक यही बुक आपको हर एग्जाम्स में काम देगा। तो ये बुक आपका हो गया अभी जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और हिंदी के बारे में हो गया। तो अब नेक्स्ट बुक आपको सजेस्ट करेंगे मैथ और रीजनिंग का, क्योंकि मैथ और रीजनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप सभी मैथ और रीजनिंग में अगर लेना चाहते हैं तो आप सभी सगीर अहमद का बुक ले लीजिए, काफी अच्छी बुक है, अन्यथा आप सभी आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। दोनों बुक को एनालाइज किए हैं, जितना सारा बुक बता रहे हैं सारे बुक को एनालाइज किए, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर आप सभी ट्रिक के साथ बनाना चाहते हैं, छोटा फॉन्ट में क्वेश्चंस को बनाना चाहते हैं, तो आप सभी सगीर अहमद का ले सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। अगर वही बेसिक के साथ बनाना चाहते हैं आप सभी, तो आप सभी आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। सगीर अहमद का मैथ भी आता है, प्लस में सगीर अहमद का रीजनिंग भी आता है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। रीजनिंग में कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो कोई भी छोटा मोटा पब्लिकेशन का ले लीजिएगा, जो कि आपको 20 से 30 रुपया में मिल जाएगा, तो वो आप ले सकते हैं। तो ये 5 से 6 बुक आपको सजेस्ट किए, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। नेक्स्ट में आपको हर एक बुक का चित्र भी दिखा देंगे कि कौन कौन सा बुक आपको लेना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि मेरे द्वारा आपको क्या क्या दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट। तो आप सभी के लिए फॉरेस्ट गार्ड के लिए मॉक टेस्ट चल रहा है,
फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्पेशल जो है कि मॉक टेस्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां आपको मॉक टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, प्लस में इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो रहेंगे। टॉपिक वाइज में बात करें तो आपको जैसे हिस्ट्री का हो गया वो अलग प्रोवाइड करेंगे, ज्योग्राफी का वीडियो अलग प्रोवाइड करेंगे आपको, प्लस में जो कि इकोनॉमिक्स का वीडियो अलग में प्रोवाइड करेंगे, पॉलिटिक्स का वीडियो अलग से प्रोवाइड करेंगे, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ये सभी का वीडियो अलग अलग से प्रोवाइड करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो रहेगा। नेक्स्ट में आपको जो कि हम प्रोवाइड करेंगे वो करेंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे। करेंट अफेयर तो टेलीग्राम पे दिया ही जा रहा है आपको डेली सुबह में, बात रह जाता है बिहार जीके का, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया हुआ, फिर भी 2 से 4 क्वेश्चंस बिहार जीके से पूछा जाता है, तो ये भी पढ़ना आपके लिए जरूरी होता है, एक एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। आपको हाईएस्ट स्कोर में कम से कम 80+ टारगेट लगा के चलना पड़ेगा, तभी ही आप एग्जाम्स को क्लियर कर पाइएगा। तो इसके लिए अभी बिहार जीके का 100 क्वेश्चन आया हुआ है वन लाइनर के रूप में, अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहां से क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, और भी वीडियो आते रहेगा बिहार जीके का, तो वो बिहार जीके का आप सभी देख सकते हैं वीडियो को, तो ये सभी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहला बुक देख सकते हैं, यही बुक के बारे में बता रहे थे, लूसेंट सम्मान ज्ञान जीके का, इस बुक को जरूर लीजिए आप सभी, कोई बुक लीजिए या ना लीजिए, इस बुक को आप सभी जरूर लीजिए, इस बुक को लीजिए, प्लस में आप सभी कोई भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट को जरूर लीजिए आप सभी, तभी आप हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस प्लस में करेंट अफेयर ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है, इस सभी से 55 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। अगर 55 में 55 क्वेश्चंस को सही करना चाहते हैं, 55/55 लाना चाहते हैं, तो ये बुक को आप सभी जरूर पढ़िए, प्लस में जो है कि मेरे द्वारा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा। तो नेक्स्ट बुक था आपका हिंदी सामान्य ज्ञान में, तो हिंदी सामान्य ज्ञान में आपको लूसेंट का बुक बताए थे, तो इस बुक को ले सकते हैं, ये है सगीर अहमद का बुक जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रिक के साथ क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, सॉल्व किया हुआ रहता है, अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, अगर वही आप सभी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी आरएस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। ये एक बार बुक लेने के बाद चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसके लिए फिर आपको बुक खरीदने का जरूरी नहीं है, काफी अच्छी बुक है, आप सभी इसको ले सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, या रेलवे हो, या कोई भी एग्जाम्स हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट बुक है, ये सभी जितना बुक बताएं, एक बार आप बुक ले लेते हैं तो दोहरा के बुक खरीदना जरूरी नहीं पड़ेगा, इसी से आप तैयारी कर सकते हैं। चलो तो यही थे 4 से 5 बुक जो आपको सजेस्ट किए फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ये आपके द्वारा डिमांड किया गया था। तो चलो तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज इनके मनोक से जरूर बताइएगा, अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, सभी साथी से रिक्वेस्ट है जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल से नए जुड़े हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दिया, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके, क्लास चल रहा है, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप सभी मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं डेली। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।